हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया एंड यू वाचिंग वीडियो टेस्टर। फ्रेंड्स, आज आप लोग इतना सारा धनिया का पत्ता देखकर सोच रहे होंगे कि आज मैंने इतना सारा धनिया इकट्ठा क्यों किया हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि घर पे आप कैसे आसानी से एक सालों तक के लिए धनिया पत्ता स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप धनिया पत्ता खाने के शौकीन हैं, सब्ज़ी दाल वगैरह में डाल के खाने के शौकीन हैं, तो आपको पता होगा कि आप जब मार्केट में धनिया पत्ता लेने के लिए जाते हैं तो आपको 2 रुपये का धनिया पत्ता 10 रुपये का देता है। पहले तो ये सब चीज़ें फ्री में दे दी जाती थी सब्ज़ी के साथ, बट अब बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। अब प्रॉपर पैसे लिए जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। 5-6 रुपये का तो मिलता भी नहीं है धनिया पत्ता। अब लेना है आपको तो 10 रुपये का लीजिए, 20 रुपये का लीजिए, ऐसे मिलते हैं। तो ऐसे केस में आप लंबे समय तक धनिया के पत्ते को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, आज मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ। दोस्तों, यकीन मानिए, ये 1 साल तक आराम से चल जाता है और टेस्ट बिल्कुल धनिया पत्ते जैसा ही आएगा। सब्ज़ी में जब आप डालेंगे तो उसका कलर बिल्कुल वैसा ही आएगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने 1 साल तक स्टोर किए हुए धनिया पत्ते को डाला है। बिल्कुल फ्रेश धनिया पत्ते की फील देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि मैं कैसे इस धनिया पत्ते को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखती हूँ अपने पास। मैं पहले भी रखती थी, बट अब जब मैं रखने वाली हूँ तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि हम धनिया पत्ते को 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैंने किस किस मेथड को फॉलो किया है। दोस्तों, इसको सुखाने के लिए आपको धूप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जैसे ही इसको धूप में सूखने के लिए डाल देंगे, इसका कलर चला जाएगा, इसकी खुशबू चली जाएगी और पूरा का पूरा काम खराब हो जाएगा। तो आपको मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं और पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे इस धनिया के पत्ते को स्टोर करके रखना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे धनिया पत्ते का पूरा बंच ले लिया है और इसको हमें नीचे के साइड से 30% तक काट देना है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके की स्ट्रेंथ है नीचे की तरफ, तो इसको आपको कट कर देना है। तो चलिए पहले इसको कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको काट लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी जड़ों में कितनी मिट्टी थी। मैंने पहले भी इसको वॉश किया था, फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी थी इसके अंदर जो कि यहाँ पे लग गई है। तो चलिए अब इस धनिया पत्ते में से जो भी हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत वेस्ट है, जो कि सड़ गल गया है, उसको हमें इस तरीके से निकाल देना है। नहीं तो ये रहेगा तो ये बाद में सारी चीज़ों को ख़राब करेगा। उससे बेहतर है कि आप पहले ही इसको थोड़ा थोड़ा निकाल दें। जो भी ये पार्ट पीला हो रहा है उन सभी को निकाल के फेंक दे बाहर। दोस्तों, इसमें जितना भी आपको लग रहा है कि पीलापन वह है पत्ते में, उन सबको बाहर निकाल दें, उन सबको ना रखें इसके अंदर। ये जो मोटा वाला है इसको यहाँ से तोड़ लें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब देख सकते हैं यहाँ पे जड़ों में थोड़ा बहुत गंदा गंदा पत्ता है, उसको हमें निकाल लेना है। जो भी ख़राब पत्ते हैं, अगर आप उसको इसके अंदर छोड़ देंगे तो ये और भी जो पत्ते हैं ये वो उनको भी सड़ाना शुरू कर देगा। तो बेहतर है आप इनको पहले ही निकाल के बाहर फेंक दें। देख सकते हैं इस टाइप के जो पत्ते हैं उनको निकाल दें।
दोस्तों आपको ख़ास ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से सफाई करनी है, बिल्कुल भी गंदगी या मिट्टी इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर मिट्टी रहेगी, गंदगी रहेगी, तो ये सारे पत्तों को सड़ा देगी और ये बाद में तो आप खाने के अंदर ही डालने वाले हैं तो आपका सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप साफ़ करें, बहुत ही अच्छे तरीके से आप धोएं ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी है, गंदगी है, वो सब बाहर निकल जाए और आपको बिल्कुल प्रॉपर फ्रेश लीव्स मिले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसकी सफाई करने के बाद इसको चलते हुए नल के पानी के नीचे धो लिया है। बहुत अच्छे तरीके से आपको वॉश करना है, इसमें थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए और ये प्रॉपर अब हमारा जो भी धनिया के पत्ते थे वो क्लीन हो चुके हैं, कहीं भी कोई गंदा पत्ता नहीं बचा हुआ है। तो चलिए अब हम इसको ठंडे पानी में एक बार डिप करके छोड़ देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास चिल्ड वाटर है, आप चाहें तो बर्फ़ का पानी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो फ्रिज में ठंडा पानी हो आपके पास आप वो यूज़ कर लें। ये बिल्कुल ठंडा पानी है मेरे पास और इसके अंदर हमें इस पूरे धनिया पत्ते को 10 मिनट तक रख के छोड़ देना है। इसको अच्छी तरीके से डुबो दे, पहले इसको 10 मिनट तक छोड़ दे ठंडे पानी में डुबो के। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे 10 मिनट से ठंडे पानी के अंदर डिप करके रखा है। दोस्तों ठंडे पानी में डिप करने का रीज़न यही है कि अगर आप ठंडे पानी में इसको डिप करके रखेंगे तो इसके पत्ते सुकड़ेंगे नहीं, खिले खिले रहेंगे। और 10 मिनट बाद इसको निकाल कर आपको कहीं भी इसको सुखाना है, पंखे की हवा में या फिर नॉर्मल जगह पे सुखाना है। इसको बिल्कुल भी धूप नहीं लगाना है आपको, अगर आप धूप लगाएंगे तो इनके पत्ते जो हैं वो जल जाएंगे, इसका कलर फेड हो जाएगा, इसका खुशबू निकल जाएगा, तो काम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसको अपने घर के अंदर ही फैला के सुखा लेना है, 2 से 3 दिन में ये सूख जाएगा। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर भी सुखा सकते हैं, बट इससे दोस्तों धनिया पत्ते का जो टेक्सचर है वो चला जाएगा। दोस्तों अगर आप इसे काट देंगे तो इसके पत्ते नहीं दिखेंगे, बिल्कुल खिले खिले नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं इसको काट नहीं रही हूँ, इसको ऐसे ही फैला दे रही हूँ। और ये जब सूख जाएगा तो इसको हल्का सा हाथ से क्रश करके आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और जब चाहे आप इसे अपने खाने में डाल के इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इसको मिक्सी में भी चला देंगे तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा हो जाएगा और तब भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि इसको मिक्सी में ना चलाएं, इसको धूप के अंदर ना सुखाएं, इससे भी ये प्रॉपर ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमेशा घर के अंदर ही सुखाएं, घर की खुली हवा में सुखाएं। और 2 से 3 दिन इसको लग जाता है सूखने में, तो 2 से 3 दिन तक इसको प्रॉपर टाइम दें, ये प्रॉपर सूख के रेडी हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको लंबा लंबा ऐसे ही रहने दें, बारीक बारीक टुकड़ों में ना काटें। अगर आप बारीक बारीक टुकड़ों में काट देंगे तो ये बारीक बारीक तो हो जाएगा लेकिन वो उतना अच्छा टेक्सचर नहीं आ पाएगा, जो धनिया पत्ते का प्रॉपर पत्ती का जो डिज़ाइन होता है, पत्ती का जो टेक्सचर होता है वो नहीं आ पाएगा, खुशबू तो बिल्कुल प्रॉपर आएगी। तो मैं इसको काट नहीं रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही सुखाऊंगी और जब ये सूख जाएगा प्रॉपर तरीके से तो हल्के हल्के हाथों से इसको क्रश करके इसको डब्बे में भर के रख लूँगी। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम पानी के अंदर से निकाल देते हैं और मैं तो इस टेबल के ऊपर फैला रही हूँ। अगर आपके पास कोई बड़ा टेबल ना हो तो आप घर के अंदर बेडशीट बिछा कर भी इसको आराम से फैला सकते हैं। मेरे पास ये टेबल था तो मैं इस टेबल के ऊपर फैला रही हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर था वो निकल गया है, तो अब मैं इसको फैला लूँगी। इसकी एक एक पत्ती को बहुत अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से फैला देना है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पूरे टेबल के ऊपर इस धनिए के पत्ते को फैला लिया है। तो अब इसको हम ऐसे ही रहने देंगे 2 से 3 दिनों तक, और 2 से 3 दिनों में ये प्रॉपर ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस धनिया पत्ते को फैलाए हुए हमें 2 दिन हो चुके हैं, और ये काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका है। तो अब हमें इसे किसी भी पतीले वगैरह में उठा लेना है। आप अगर आपने बेडशीट के ऊपर इसको फैलाया है तो आप बेडशीट के ऊपर ही रहने दें, बट मैंने इसे टेबल के ऊपर फैलाया था तो मुझे इसे इकट्ठा करना होगा। और जब भी आपको मौका लगे तो आप इसको धूप दिखा दें, सिर्फ आपको आधे घंटे के लिए इसको धूप दिखाना है ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा कड़क हो जाए, और जब आप इसको हाथों से क्रश करेंगे तो ये हाथों से क्रश हो जाए। अभी इसमें थोड़ी बहुत नमी है तो ये हाथों से अभी अगर मैं क्रश करूँगी तो ये क्रश नहीं होगा, तो मैं कल सुबह इसको धूप दिखा दूँगी। तो अभी हमें सारे जो ये धनिया पत्ते हैं इनको इकट्ठा कर लेना है, और आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, ये बिल्कुल काफ़ी तक ग्रीन है। तो इसको अब हमें उठा लेना है और उसको सुबह हम धूप दिखा देंगे। आपको ज़्यादा धूप नहीं दिखाना है, नहीं तो ये ज़्यादा अगर धूप दिखा देंगे आप तो इसकी खुशबू चली जाएगी, इसका जो नेचुरल कलर है वो चला जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप इसे आधे घंटे ही धूप दिखाएं, और आधे घंटे बाद आप इसे क्रश कर लें, और क्रश करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लें, और आप इसे 1 साल तक यूज़ कर सकती हैं जैसे आप कसूरी मेथी वगैरह यूज़ करती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, बहुत नेचुरल खुशबू रहती है धनिया पत्ते की, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए इसको मैंने अब काफ़ी उठा लिया है, तो अब इसको फटाफट से मैं उठा लेती हूँ। ये थोड़ा सा टेबल के वजह से चिपक गया है टेबल के ऊपर, तो इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उठाने में, बट ठीक है ये उठ जाएगा। जैसे इसके पत्ते थे बिल्कुल वैसे ही हैं, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको उठा लेना है सारे धनिया पत्ते को। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सारा धनिया पत्ता उठा लिया है। अब इसको इसी तरीके से मैं इसमें ऐसे फैला कर रख दूँगी, और जब धूप आएगी कल सुबह, अभी रात का टाइम हो रहा है तो कल सुबह जब धूप आएगी तो मैं इसको आधे घंटे के लिए बस धूप में बाहर रख दूँगी, और लाने के बाद इसको हल्का सा अपने हाथों से क्रश करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लूँगी, और ये मेरा 6 महीने के लिए तक तो आराम से ये चल जाएगा। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, कि काफ़ी आसान मेथड है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा धनिया पत्ता जो है वो स्टोर रहता है, और बहुत ज़्यादा आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते, बार बार धनिया पत्ता नहीं लेके आना पड़ता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे कल इसको सुखाने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस धनिया पत्ते को थोड़ी देर धूप लगा दिया था, बस 1 घंटे तक मैंने इसे धूप लगाया है, क्योंकि बारिश का मौसम था तो धूप बहुत ज़्यादा कड़क नहीं थी, तो मैंने 1 घंटे तक इसको धूप लगा दिया था, और ये बिल्कुल कड़क हो चुका है अब। और मैंने इसे हल्का हल्का सा क्रश किया है, तो आप देख सकते हैं ये नीचे की साइड में ऐसे बारीक बारीक टुकड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे इतने बारीक टुकड़े नहीं चाहिए। तो मैं जस्ट इसको ऐसे पकड़कर और इसकी जो भी लीव्स हैं वो इस तरीके से निकाल लूँगी। तो दोस्तों मैं इसको हाथ से पूरी तरीके से मैश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें धनिया पत्ते जैसा टेक्सचर रहे, इसलिए मैं जस्ट इसको ऐसे पकड़कर और इसका जो लीव्स हैं उनको निकाल दे रही हूँ। आप देखिए इसके अब जो भी खड़े खड़े लीव्स हैं वो निकल जा रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो आप इस तरीके से कर सकती हैं। और जब आप इसे सब्ज़ी में डालेंगे तो ये बिल्कुल धनिया पत्ते जैसा ही हो जाएगा, और अगर आप इसे क्रश कर देंगे तो ये थोड़े ज़्यादा बारीक बारीक टुकड़ों में हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, दिखेगा नहीं, टेस्ट और खुशबू तो बिल्कुल धनिया पत्ते जैसी ही आएगी। तो आप देख सकते हैं आप भी चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप वैसे ही क्रश कर लीजिए, तब भी काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, और ये आप आराम से 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, और आप जब चाहे इसे अपनी सब्ज़ी में, दाल में, किसी भी चीज़ में डाल के इसको गार्निश कर सकती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट देगा, वैसे ही खुशबू देगा जैसे धनिया पत्ता देता है।
आप इसी तरीके से कसूरी मेथी को भी स्टोर करके रख सकती हैं घर में बना के। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कसूरी मेथी मैं कैसे स्टोर करती हूँ तो वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा, हम ज़रूर आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों अभी मेथी का सीज़न तो नहीं है, बट हाँ 1 से 2 महीने में मेथी का सीज़न आ जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो वाला वीडियो भी लेकर आऊँगी। वो भी करना बहुत आसान है, मैं घर पे ही बना के रखती हूँ। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वो वाला वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगी। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से सूख चुका है, एक एक चीज़ें क्लियर है, पत्ती बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बिल्कुल डिज़ाइन शेप पत्तियों का वैसा ही है जैसे धनिया पत्ता होता है। मैंने इसे बिल्कुल भी क्रश नहीं किया है, तो आप भी क्रश ना करें अगर आप बिल्कुल धनिया पत्ते जैसा टेक्सचर चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल धनिया पत्ते जैसा ही है, और जैसे ही आप इसे पानी के अंदर डालेंगे ये दोबारा खिल जाएगा धनिया पत्ते की तरह। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी आसान मेथड है धनिया पत्ते को लंबे समय तक स्टोर करके रखने का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कटोरे में गर्म पानी ले लिया है और उसमें कुछ धनिया की पत्ती डाल दी हैं, और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खिल गया है पानी में जाने के बाद, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे धनिया पत्ते का टेक्सचर होता है। आप अगर सब्ज़ी वगैरह में डालेंगी तो बिल्कुल भी खाने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने ये मतलब काफ़ी टाइम से स्टोर किया हुआ धनिया पत्ता यूज़ किया है। तो चलिए अब मैं आपको इसको हल्का सा टेस्ट करके बता देती हूँ कि सूखने के बाद इसका टेस्ट बरकरार है या नहीं। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर सीधा सीधा पत्तियां डाल दी थी, अगर आप चाहें तो इसको काट कर डाल सकते हैं, और काट के डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी तो मुझे ऐसे तोड़ना पड़ रहा है इसको, तो चलिए मैं अब इसको टेस्ट कर लेती हूँ। दोस्तों ये प्योर धनिया पत्ता का फ्लेवर दे रहा है, बिल्कुल धनिया पत्ते जैसा टेस्ट दे रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई सूखी हुई पत्ती खा रहे हैं। जैसे आप इसको चबाएंगे आपको वो जो धनिया फ्लेवर वाला धनिया पत्ते के जो फ्लेवर है वो बिल्कुल खिल के मुँह में आता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप चाहें तो इसको बना के अपने घर में लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, इससे आपका पैसा बहुत ज़्यादा बचेगा। तो मैं तो कहती हूँ कि आपको एक बार ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने घर पे धनिया के पत्ते को कैसे स्टोर किया है। अगर आप और कोई भी हरी सब्ज़ी देखना चाहते हैं कि मैं घर पे उन्हें लंबे समय तक कैसे स्टोर करके रखती हूँ तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आप लोगों को पता है कि हम 2 ही जने रहते हैं और उसमें सब्ज़ी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और उसको लंबे समय तक स्टोर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैसों की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाएगी। तो इस केस में मैं काफ़ी सारे सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर करके रखने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से वीडियो टेस्टर फैमिली के साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय।